पायलट सफर करता है ना, बाय एयर सफर के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इल्म होना जरूरी है। कर्व ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलती बाय एयर के लिए, कर्व ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने शायद पढ़ी ना हो, बहुत मुश्किल है ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आगे इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू वन, इसके फॉर्मूले बहुत आसान है। कर्व ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो काफी मुश्किल काम है, इसकी इक्वेशंस को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जहाज में सफर कर्व ट्रिग्नोमेट्री के जाने बगैर कर नहीं सकते, क्योंकि जहाज में ऐसे नहीं होता। देखिए जमीन पे सफर के लिए तो मिसाल के तौर पर आपको किसी ने यहां से जो है यूपी मोड़ जाना है तो उसका एड्रेस आप बाय रोड जाएंगे ना, आपको बताने वाला क्या बताएगा, आप यहां से जाइए डिस्को मोड़, डिस्को मोड़ से सीधे आपके मुड़ेंगे तो पकौड़े की दुकान आएंगी, पकौड़े की दुकान के साथ जो है बर्गर वाला बैठा होगा, बर्गर वाले के से थोड़ा आगे जाएंगे साइकिल का पंचर वाला बैठा होगा, उसके सामने देखा धोती सलवार में बैठा होगा, तो ये सारे अलामत आप बताते बताते वो कहां पहुंच जाएगा, यूपी मोड। ये है बाय रोड, बाय रोड अलामतें देख देख के जाते हैं, ये आ रहा है ये आ रहा है, बाय एयर जब जा रहे हैं तो ना कोई धोती वाला आएगा ना पकौड़े वाला आएगा ना कोई खंबा आएगा ना कोई पहाड़ी आएगी, पायलट को ये नहीं बताया जाता जो यहां से उड़ के अमेरिका या मक्का जा रहा है, भाई तू चलाता रहे देखते रहना जरा नीचे। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه। अजीज तलबा और तालिबात, आप हजरात जो इल्म हासिल कर रहे हैं इस कोचिंग सेंटर में या दूसरे इदारों में जो कुछ मालूमात फराहम की जा रही हैं, उन तमाम की तमाम मालूमात का और उस इल्म का ताल्लुक इस दुनियावी जिंदगी से है। आप यहां इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक बड़े आदमी बन सकें, और बड़े आदमी की डेफिनेशन हमारे यहां है कि ज्यादा कमाने वाले बन सके, पैसे ज्यादा कमा सके। यह भी दुरुस्त है, कोई गुनाह की बात नहीं है। आप में से बास का मकसद होगा कि कोई ऐसा काम करें जो मुल्क और कौम की तरक्की का सबब बने, यह भी बहुत बड़ी इबादत है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन आप जो भी उलूम हासिल कर रहे हैं, जितनी किताबें आप पढ़ रहे हैं, वो किताबें आपको सिर्फ ये बताती हैं कि आपने दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, यानी आपकी दुनिया की जिंदगी अच्छी कैसे हो सकती है। इन तमाम किताबों में से किसी किताब में भी आपको आपकी पैदाइश का मकसद नहीं बताया गया कि खालिक ने, बनाने वाले ने आपको क्यों बनाया है। समझ में आ रही है ना बात आप हजरत? अगर आप लोग मेरी तरफ देखेंगे, गौर से बात सुनेंगे, कुछ मेरे सवाल का जवाब देंगे, अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग मेरी बात शौक से सुन रहे हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जो आज साइंस की दुनिया में भी उठाए जाते हैं, मगर साइंसदानों के पास उसका जवाब नहीं है और वो जवाब दे भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान जो रिसर्च करता है ना, हम जो तहकीक कर रहे हैं वो उन्हीं तमाम चीजों पर तहकीक कर रहे हैं जो हमारी अकल के दायरेकार के तहत आती हैं। चीजें जो चीजें हमारी अकल से बालातर हैं, हम उसके बारे में तहकीक कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी हैं, और हमें उन सवालात का जवाब पूरी जिंदगी नहीं मिलता, और अगर उन सवालात का जवाब इंसान को ना मिले तो इंसान भटकने लगता है, सीधे रास्ते से हट जाता है। उस सवालात ये हैं, कायनात को किसी ने बनाया है या खुद से बनी है? मुझे और आपको किसी ने बनाया है या हम खुद से बने? ये बहुत अहम सवाल है। फिर अगर किसी ने इस कायनात को बनाया है तो किसी मकसद के तहत बनाया है, उसका क्या इरादा क्या था इस कायनात को बनाने से, या उसने बेमकसद बिला वजह वैसे ही बना दिया है? ये सवाल अहम सवाल है या नहीं है? आपको पानी का फॉर्मूला मालूम है H2O, आपको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी,
क्या क्या चीजें इसमें शामिल हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको यह मालूम, ये अगर चीजें मालूम ना हो आपको, तो आप तजस्सुस की कोशिश करते हैं, पता चलाते हैं कि भाई ये है क्या। इससे अहम सवाल तो पहले यह है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है या खुद से बनी है। हम और आप खुद से बने हैं या किसी ने बनाया है हमें? और जिसने इस कायनात को बनाया उसने बेमकसद बनाया है या किसी मकसद को सामने रख के बनाया? तो वो मकसद है क्या? मेरे और आपके सामने अगर वो मकसद नहीं होगा तो बनाने वाले ने जिस काम के लिए हमें पैदा किया हम उस काम में तो मशगूल नहीं होंगे, बाकी सारी दुनिया के सारे काम कर लेंगे। अब देखिए, एक आदमी को, इसकी मिसाल है, आप लोगों को आपके वालिदैन यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या ख्याल है? पान खाने के लिए, तंबाकू, छालियां, गुटके, इन चीजों के लिए तो नहीं भेजते? मेरा ख्याल पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये इदारा बनाया गया, इंस्टीट्यूट बनाया गया पढ़ने के लिए। अब मुझे बताइए, एक तालिबे इल्म यहां आके बैठा हो क्लास में, लेकिन उसको यही ना पता हो कि मुझे यहां क्यों भेजा गया है। वो कभी पंखे को देख रहा है, कभी यहां लगे हुए कैमरों को देख रहा है कि उसमें जाके रिसर्च कर रहा है ये कैमरा कैसे, कितने मेगापिक्सल है, इसकी तस्वीर का कैसे लेता है ये, फिर यहां रोशनी का तनासुब क्या है, कमरे का टेम्परेचर क्या है, थर्मोमीटर लगा के एक किताब लिख रहा है कि कमरे का टेम्परेचर दिसंबर में जो है वो कमरा इतनी डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी गर्मियों में ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, और बाद दफा दिसंबर में जीरो डिग्री पे भी आ जाता है। बड़ी तहकीकात कर रहे हैं यहां बैठ के। तो लोग कहेंगे भाई माशाल्लाह आपकी बड़ी जहानत है, बड़ी तहकीकात है, लेकिन आपको आपके वालिदैन ने यहां पर भेजा इस काम के लिए नहीं, आपको यहां भेजा है। वो इस क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लें, क्योंकि आपने फिर मैट्रिक का, इंटर का इम्तिहान देना है, उसमें आपने पास होना है, फिर आपको फिर इसकी तहकीक के मौके और आपको मिलेंगे। फिलहाल आपको यहां भेजा, ये सारे काम आप अपने घर जाके कर लीजिएगा, घर का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आप सारी चीजें, क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो हर काम के पीछे, कोई भी काम होता है उसके पीछे एक बुनियादी मकसद होता है, बाकी सब लवाजिमात होते हैं उसके, सही है ना? हर काम के पीछे आपके वाले साहब सुबह ऑफिस जाते होंगे, वो वहां पढ़ने नहीं जा रहे, वो पढ़ाई के दौर से गुजर चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं वहां पर। वो अगर चले जाए, मिसाल के तौर पर कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, या वो स्कूल टीचर हैं, वो जाते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय वहां बैठ के समोसे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जैसे आजकल स्कूलों का माहौल है, और गपशप लगा रहे हैं, और ये लड़कियों की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, इनसे थोड़ा कहें कि थोड़ी देर खामोशी से बात सुन लें। दो खवातीन जो थी ना, 20 साल जेल काट के निकली, दो खातून थी, 20 साल कैद बा मुशक्कत काट के निकली, 20 साल इकट्ठी रही, 20 साल के बाद कह रही बहन चलो फिर बकिया बातें इंशाल्लाह। इसलिए जो यहां तालिबात हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए जरा खामोशी से बात सुन लें। तो ये सिर्फ एक लतीफा बराए लतीफा, इसको आप ज्यादा संजीदगी से न लें। तो मैं ऐसा कर रहा था कि आप किसी के भी वालिद हैं, या कोई जाते हैं पढ़ाने के लिए, टीचर हैं वहां पे, वो नहीं पढ़ाते, दूसरे काम वो मशगूल हो जाते हैं, तो उनको अगर यही ना पता हो कि मुझे स्कूल में यहां क्यों आ रहा हूं, ऑफिस में मैं क्यों आ रहा हूं, यही ना पता हो अगर, तो बेशक सारी दुनिया की सारी मालूमात भी क्यों ना उनके पास, मगर उनकी जिंदगी नुकसान पे जाएगी, फायदा नहीं होगा इस जिंदगी का। इसलिए कि जो काम उनके जिम्मे लगाया गया था, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, वो उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे, बाकी सारी दुनिया की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उन्होंने उठा लिए। आपको घर में कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर लाया गया, अब आपने उसके लिए शरबत का इंतजाम भी किया, भाई गर्मी लगेगी, कुआं खुदवाना है मिसाल के तौर पर आपने घर में, एक काम है उस इस मकसद के लिए उसको लाया गया यहां पे, आप उसके लिए चाय का इंतजाम भी कर रहे हैं, आप उसके लिए शरबत का इंतजाम भी कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम भी कर रहे हैं, सारी चीजों के इंतजाम, वो जनाब वहीं धरना मार के बैठ गया, क्या यार तो बड़े मजे की जिंदगी, पेप्सी भी मिल रही है, ड्यू भी मिल रही है, और पान भी मिल रहा है, गुटखा भी, तंबाकू भी, सिगरेट भी, दूध पत्ती भी, सादा चाय भी, ग्रीन चाय भी, हर किस्म की चाय, सुभान अल्लाह, चारपाई डाल के लेट गया वहां पे, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आप कहेंगे भाई ये मैं तो तुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहा हूं और इतनी तेरी खिदमतें कर रहा हूं, किसी और के साथ ये मेरा सलूक नहीं है, वजह उसकी है कि मैं तुझे यहां किसी काम से लेकर आया हूं, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, एक चाहत थी, मैं चाहता हूं कि वो तेरे जरिए से पूरी हो सके। वो क्या है कि मैं यहां कुआं खुदवाना चाहता हूं, एक सबील बन जाएगी, सब लोग पानी पियेंगे, मैं भी पीऊंगा, महल्ले वाले भी पियेंगे, लोग भी पियेंगे, दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा, उसमें तू मेरे लिए मुआविन और मददगार हो सकता। कोई छोटे से छोटा शख्स भी ऐसा नहीं है, बल्कि कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जिसके जिम्मे अल्लाह ने कोई काम ना लगाया हो, कोई जानवर भी ऐसा नहीं है। तो साइंस ने बड़ी तहकीक की है, किसी जानवर का वजूद भी फजूल नहीं है। आपको पता होगा कि ये जो मक्खियां और तितलियां बैठती हैं फूलों के ऊपर, ये बाकायदा फलों की पैदावार का जरिया बनती हैं। शहद की मक्खी के जिम्मे एक काम है, ये जो नजासत पर बैठने वाली मक्खियां हैं ये भी बेकार नहीं है, इनके जिम्मे भी एक काम है,
एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स आया पाकिस्तान, पाकिस्तान आया या किसी एशियाई ममालिक में जहां जंगलों में खरगोश बहुत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये बाकायदा जंग अखबार में ये मजमून छाया हुआ था उसे। वो आया, उसने यहां देखा कि खरगोश उसे जानवर पसंद आया, उसने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ये, तो ये इस मजमून का नाम ही ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, इस नाम से ये अखबार में छाया हुआ था। तो वो उठा के ले गया खरगोश के दो जोड़े कि मैं वहां जाके इनकी अफजाइशें नस्ल करूंगा ऑस्ट्रेलिया में। खरगोश की नस्ल बहुत तेजी से बढ़ती है, ये नस्ल इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि खरगोश की पैदावार और अफजाइश नस्ल इतनी ज्यादा हो गई कि वहां ये खरगोशों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। खेती बाड़ी जितनी होती थी उसमें खरगोशों के गौल आते और वो पूरी पूरी खेतियां चट करके चले जाते थे। पहले तो किसानों ने खरगोशों का शिकार करना शुरू किया, उससे भी खत्म नहीं हुए, और ज्यादा उनकी नस्ल इतने मरते नहीं थे जितनी तेजी से अफजाइश हो रही थी। फिर जो बेचारा लाने वाला था ना खरगोश को, वो तो मर मरा गया, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई, अगली नस्लें भुगत रही थी उसको खरगोश के अजाब। तो बाकायदा हुकूमत मुलव्वस हुई कि भाई खरगोश की नस्ल को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये तो खेतों को बाड़ बनाई गई, खेतों के गिर्द बड़ी बड़ी, तो खरगोश को आपने देखा होगा वो सुरंगे बना के निकला, कितनी बड़ी बाड़ बना दें, कितना सीसा पिलाई हुई दीवार बना दें, ये बड़ी बेहतरीन अंदाज से सुरंग बनाता है। और अल्लाह ने इसको ऐसी सलाहियत दी है कि ये सुरंग जब बनाएगा, आप एक मजदूर को देख लें, एक घंटे के लिए सुरंग बनाएगा ना, ये कुआं खोदेगा तो मिट्टी से कैसा बेचारा लथपथ हो जाता है, उसको सर्विस स्टेशन भेजना पड़ता है सफाई के लिए, आम वॉशरूम में जाके वो साफ नहीं हो सकता, इतना गंदा हो जाता है। हालांकि इंसान है, बा सलीका है, लेकिन खरगोश कुएं जब वो सुरंगे खोदता है, सफेद रंग का खरगोश वो बिल्कुल ऐसा ही व्हाइट चमकता हुआ रहता है, उस पर जरा भी दाग धब्बा नहीं आता। ये अल्लाह ने उसको एक सलीका सिखाया है सुरंग बनाने का। तो वो बना के फिर खेतों में घुसाते थे। हुकूमत ने फिर बड़े पैमाने पर शिकार शुरू किया खरगोशों का, उससे भी हुकूमत आजिज आ गई। तो परेशान थे कि भाई ये क्या अजाब मुसल्लत हो गया, ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे। बहरहाल फिर एक उन्होंने दवा ईजाद की, जहर गोश में या जो भी खरगोश की खुराक होती है उसमें मिलाया गया। नतीजा ये निकला कि जब तक एक खरगोश भी जिंदा रहा ना, तो उनको इत्मीनान नहीं हुआ कि मुकम्मल नस्ल खत्म की जाएगी। और अगर पालने हैं तो हुकूमत अपनी कस्टडी में, अपने जैसे चिड़ियाघरों में या अपनी निगरानी में पाले इन खरगोशों। तो फिर उनके जो माहिरीन है उन्होंने गौर किया कि ये खरगोश तो दुनिया में हर जगह पाया जाता है, वहां ऐसी नस्ल इसकी नहीं बढ़ती, यहां क्यों ऐसे बढ़ी है। उन्होंने गौर करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह ताला ने जिस इलाके में भी खरगोश पैदा किया है, वहां ऐसे दरिंदे भी पैदा किए हैं जो खरगोश की नस्ल पे कंट्रोल करते हैं, उनकी खुराक खरगोश बना दी। खरगोश एक हद तक बढ़ते हैं, उसके बाद जितने ज्यादा होंगे दरिंदे खाना शुरू कर देते हैं। तो अब आप देखिए, इन दरिंदों की जिम्मेदारी अल्लाह ने बहुत से जानवरों की नस्ल पे कंट्रोल करना, ये इन दरिंदों के जिम्मे लगा दिया, ताकि ये नस्लें एक हद से बढ़ने ना पाए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतजाम है। तो इन दरिंदों को, सांप बिच्छू जो जंगल में अल्लाह ने पैदा किए, इनके जिम्मे भी बहुत से ऐसे काम लगाए हैं जो मुझे और आप, मेरे और आपके इल्म में नहीं है। वो नस्ल को कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारियां लगा दी हैं, इनकी नस्ल के लिए फिर कोई दूसरा जानवर इन पर मुसल्लत किया हो तो जो इनकी नस्ल को कंट्रोल में ला के रखता है। मछलियों को आप देखें, मछली एक वक्त में हजारों अंडे देती है, ये गोल्डन फिश आपने एक्वेरियम में देखी होगी, 80-80 हजार अंडे दे देती है। इसकी नस्ल अगर ये समंदर में ये मछलियां इस बड़ी तादाद में पैदा होती हैं कि अगर ये सारे अंडे इनसे मछलियां निकल आए और ये बच जाए तो समंदर में फिर पांव रखने की जगह ना हो, पांव रखने की जगह ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, मछली के दिल से मां की ममता निकाल दी। मछली बच्चे पैदा होते ही खुद खाना शुरू कर देती है। तो अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को कंट्रोल करने का यह सिस्टम बनाया कि मछली खुद खाती है, 1 लाख अंडे देगी, 1 लाख मछलियां निकलेंगी तो उसमें से 80 हजार खुद ही अड़प कर जाती है, वो बच बचा के निकलने के भाग गए तो वो कामयाब हो गए। तो ये अल्लाह ताला ने इस कायनात में किसी को भी फारिग नहीं बिठाया है, जो मैं असल बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, इस कायनात में किसी को भी फारिग नहीं बिठाया, कोई ना कोई काम किसी के जिम्मे लगाया है इस कायनात, कोई ना कोई काम लगाया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हमने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया, कैसे ही बना के छोड़ दिया बस। आप बताइए, दुनिया में कोई भी आदमी बेकार काम करता है और अगर वो बेकार काम करे तो वो अच्छा कहलाता है क्या? लोग कहेंगे फजूल आदमी है, ऐसे ही बना के। एक आदमी ने कोई बड़ी बेहतरीन मशीन बनाई, अब बड़ी मेहनत की, सरमाया खर्च हुआ, मेहनत खर्च हुई, एक बड़ी जबरदस्त सी मशीन उसने डिजाइन की। अब लोग आके पूछ रहे, भाई ये क्या है, ये आपने क्या बनाया? यार मैंने वैसे ही बना दी एक चीज। यार वैसे ही तो कोई नहीं बना, आप तो, हम तो आपको समझते थे आप बहुत अकलमंद हैं। या एक जो है ना ठेकेदार, वो बंगला बनाता है एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत बड़ी इमारत बना दी उसने और उसमें
बेडरूम भी बनाया, वॉशरूम भी और स्विमिंग पूल भी, रहायश के जो लवाजिमात है सारे बना दिए। लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे यकीनन या तो अपनी फैमिली को लाना चाहता है यहां पे, या ये कि ये बना के फरोख करेगा, पैसा कमाएगा, इससे ये मकसद होगा, या इसे किराए पर देगा। तो तीनों में से कोई एक ही मकसद हो सकता है ना। तो उसने बड़ा सरमाया खर्च किया, मजदूर लगा दिए, बेहतरीन डिजाइनर बुला के पहले उसके नक्शा पास करवाया कि कैसे होना चाहिए, हर लिहाज से जो रिहाइश के लिहाज से बिल्कुल सुटेबल था। बनाने के बाद अब लोग कह रहे हैं भाई अब पार्टियां आना शुरू हो गई, हजरत बताइए आप कितने का बेचेंगे। वो कह रहे हैं मैंने बेचने के लिए नहीं बनाया। अच्छा फिर आप शायद किराए पे देने के लिए। लोग आना शुरू हो गए, हजरत बताइए कितना रेंट लेंगे आप। वो कह रहे हैं मैंने किराए पर देने के लिए। अच्छा भाई अपनी फैमिली, तो फिर आप जो घर खाली करके यहां खुद रहने के लिए आएंगे वो घर हमें दे दें, वो या तो बेच दें या किराए पर दे दें। उसने कहा नहीं मैंने अपने रहने के लिए नहीं बनाया। अब लोग पूछेंगे भाई ये फिर क्यों बनाया, क्या मकसद है? कह रहे वैसे ही टाइम पास करने के लिए। क्यों बनाया मैंने बोलो भाई? टाइम पास। लोग क्या कहेंगे, ये तो बचकाना हरकत है, बच्चों की आदत होती है रेत में घरौंदे बना के तोड़ देना। बच्चों का मकसद टाइम पास करना होता है, लेकिन जब थोड़ा इंसान समझदार हो जाता है तो वो टाइम पास करने के लिए इस किस्म के काम नहीं करता। तो मेरे भाई अल्लाह ताला ये कुरान मजीद में सवाल करते हैं कि क्या खालिक़े कायनात, जो इस कायनात को बनाने वाला है, माज़ अल्लाह नकल कुफर, कि क्या वो महज टाइम पास करने के लिए इतना बड़ा सूरज जिसमें 9 लाख जमीनें समा जाएं, इतना बड़ा सूरज बनाया उसने, और इतना बड़ा निजामे शमसी, इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं, आपको तो ज्यादा मालूमात होंगी, एक एक कहकशा में कई कई अरब सितारे होते हैं और एक एक सितारा सूरज से बड़ा, और सूरज में 9 लाख जमीनें समा जाएं, कोई कायनात की वसातों की कोई इंतहा नहीं है। ये जिस जमीन को हम इतना बड़ा समझते हैं, ये इस कायनात में जैसे बड़ा रेगिस्तान हो, उस रेगिस्तान का एक जर्रा भी नहीं है। रेगिस्तान और जर्रे में तो फिर भी कोई मुनासबत होती है, इस जमीन में और कायनात में वो मुनासबत भी नहीं, जो इतनी बड़ी जमीन और ये लट्टू की तरह हमें लेके सूरज के गिर्द गर्दिश करती चली जा रही है। तो आखिर ये किसी डिजाइनर के बगैर ये सकता है क्या? आप मुझे बताइए, थोड़े बहुत कंप्यूटर के कोर्सेज आप लोगों ने किए होंगे ना, कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो किसी डिजाइनर या इंजीनियर के बगैर वजूद में आ गया हो? कोई कह सकता है कि ये आप जो कंप्यूटर में ए का बटन दबाते हैं और सामने ए लिखकर आ जाता है, ये कैलकुलेटर? कंप्यूटर तो बहुत बात की चीज है, एक कैलकुलेटर एक छोटी सी मशीन है, उसमें 2 का बटन दबाते हैं, उसकी स्क्रीन पे 2 लिखा हुआ आता है, इसमें कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ? ये खुद से हो गया। ये इतना सादा सा प्रोग्राम जिसे आज लोग फेंक देते हैं कैलकुलेटर और घड़ियों को, तो कुछ समझते ही नहीं। इतना सादा सा प्रोग्राम मेरे भाई खुद से वजूद में नहीं आ सकता, इसके लिए किसी डिजाइनर की जरूरत है, किसी कंपोजर की जरूरत होती है, किसी प्रोग्रामर की जरूरत होती है, और फिर इंजीनियरों की, और फिर इंजीनियर भी एक किस्म का नहीं, प्लास्टिक के बटन बनाने के लिए प्लास्टिक वालों से रابطہ करना पड़ेगा, उनके पास मशीनें लगी हुई हैं, बेहतरीन दिमाग हैं, वो जानते हैं प्लास्टिक को पिघला के कितना उसमें से तारकोल निकाला जाए और कितना मटेरियल उसमें डाला जाए तो ये कंप्यूटर के बटनों के लिए वो सूटेबल रहेगा। फिर शीशे वालों से अलग रابطہ होता है, शीशा की एक अलग सनासाजी है, वो उससे उस कंप्यूटर की स्क्रीन में लगता है। एक एक चीज के लिए अलग अलग दिमाग काम कर रहा है, कई दिमागों का मजमुआ मिलकर एक सादा सी घड़ी या सादा सा कैलकुलेटर वजूद में आता है। एक बल्ब भी इंसान की हजारों साल की मेहनत के बाद एडिसन की ईजाद है। एडिसन ही था ना वो जिसने बल्ब ईजाद की, उस क्या नाम था उसका? एडिसन, थॉमस जो भी था, बहरहाल आखिर में एडिसन ही है, मुझे इस तरह याद है, मेडिसन से मिलता जुलता है। तो आदम अलैहिस्सलाम बल्ब ईजाद नहीं कर सके, उस वक्त से इंसान ने सोचना शुरू किया होगा कि अंधेरे में रोशनी का कैसे इंतजाम किया जा सकता है। आसान, आग तो अल्लाह की बनाई हुई चीज थी, वो तो पत्तों को रगड़ने से भी हासिल हो जाती थी। उस वक्त से होते होते इतना सादा सा बल्ब वजूद में लाने में कई हजार साल लगे, और जिस वक्त साइंसदान एडिसन ने ये बल्ब ईजाद किया ना कि यूं मिलाया जाए नेगेटिव और पॉजिटिव, इससे यूं मिलता है बिजली, एक रोशनी पैदा होती है, तो उछल पड़ा और दुनिया ने भी उसको मुबारकबाद दी, पता नहीं क्या मशीन ईजाद कर ली। क्यों? इसलिए कि ये बड़ा इल्मी कारनामा समझा गया था उसका, और वाकई बहुत बड़ा कारनामा था। तो मुझे बताओ, एक बल्ब खुद से वजूद में नहीं आ सकता, क्योंकि खुद से इसे वजूद में नहीं आता कि शीशे को एक मखसूस डिजाइन से जोड़ा जाता है। पहले तो शीशा कैसे वजूद में आएगा? शीशा रेत से कितनी मुश्किलों से, कितने पापड़ बेलने के बाद बनता है शीशा रेत, खुद ब खुद नहीं हो जाता। फिर उससे जो वजूद में आता है बल्ब, एक मखसूस शक्ल में उसको एक जो है ना वो एक शक्ल में उसको ढालना पड़ता है, फिर उसमें तारें, ताकि बिजली जब जाए ना उसमें तो तारें घुमाई जाती हैं ताकि करंट ऐसे मुश्किल से जाए और वो ज्यादा हीट उसमें ज्यादा पैदा हो। तो बड़े पापड़ बेलने के बाद एक छोटा सा बल्ब वजूद में आया। फिर उसमें ये कि इसमें बिजली आएगी कहां से, उसके लिए एक अलग सेटअप लगाना पड़ता है, खुद से नहीं आ जाती। उस बल्ब आप ईजाद कर भी लें तो चलेगा थोड़ी, उसको चलाने के लिए एक अलग मेहनत दरकार है। फिर चले तो ऐसा चले कि जल ना जाए,
उसके लिए एक अलग, उसका वोल्टेज कंट्रोल में रहे, इन तमाम चीजों के लिए कंट्रोलिंग पावर की जरूरत है, कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला हो इनको। तो जब एक बल्ब मेरे भाई वजूद में नहीं आ सकता, तो इतना बड़ा सूरज जो चमकता हुआ चिराग, इतना बड़ा सूरज जो 9 लाख जमीनों जैसा बल्ब, ऐसी सर्च लाइट है कि जब वो मशरिक से निकलता है और अपना सर निकालता है तो इंसान की बड़ी बड़ी बनाई हुई सारी लाइटों की चमक मान पड़ जाती है। बड़े बड़े साइंसदानों ने कई कई साल मेहनत करके जो बड़ी बड़ी लाइटें जाती है ना, सूरज निकलते ही उन लाइटों का यही नहीं पता होता कि ऑन है ऑफ है, ऐसी गायब हो जाती है। तभी तो खंभों की लाइटें दिन भर जलती रहती है, रात को बंद हो जाती है। दिन भर क्यों जलती है, तो पता ही नहीं होता वो बिजली वालों को कि ये जल रही है, सूरज इतने चमक, रात को पता चला ये तो जल रही है इसलिए फौरन बुझा देते हैं उसको। क्या ख्याल है? तो अच्छा मैं याद कर रहा हूं आपसे कि इतना बड़ा सूरज, सूरज कितनी एनर्जी खारिज करता है, कितनी एनर्जी, कहते हैं 50 लाख एटम बम फटे ना, 50 लाख, उससे जो एनर्जी खारिज होती है वो सूरज 1 सेकंड में खारिज कर देता है। नहीं आ रही मेरा ख्याल वास्तव में, इतनी एनर्जी कहां से आ रही है सूरज में, उसके तो कई कई हजार किलोमीटर के तो उसके सिर्फ शोले अंगारे हैं, जमीन थोड़ा सा सूरज के करीब हो जाए जल के राख हो जाएगी, और सूरज की रोशनी जो इतनी तेज हीट है उसके लिए कई छलनियां लगाई हुई अल्लाह ताला ने, कई छलनियां, ये बड़े मराहिल से गुजर के आती है, अगर वो दरमियान में आर जो है ना वो बहुत सारे पर्दे हट जाए तो हमें फिर तिक्के बोटी खाने के लिए ना होटलों में जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही तिक्के बोटी बने हुए होंगे, हमारे खुद ही जो है ना वो कोई शामी कबाब बना हुआ होगा, कोई जो है बिहारी बोटी बना हुआ होगा, और कोई जो है वो कौन से कोई ब्रोस बना हुआ होगा, बहरहाल हम ये नहीं रहेंगे जो अभी नजर आ रहे हैं, कुछ भी बन जाएंगे। तो कितनी हीट, ये क्या खुद ब खुद हो रहा है क्या? तो भाई ये सवाल जो है ना इसका जवाब आपको इन किताबों में नहीं मिलेगा जो आप पढ़ रहे हैं, लिहाजा इन किताबों को तो आप पढ़ें, आपकी मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी, इसके लिए भी दुनिया के लिए जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और वो इनसे ज्यादा जरूरी है, उनमें आपको इन सवालात के जवाब मिलेंगे कि आपको किसी ने बनाया है या आप खुद से बने हैं, इन सवालात को उन किताबों में उठाया गया है और उसमें इनके जवाब दिए गए हैं, वो है कुरान मजीद। कुरान वो वाहिद किताब है जो ये सवाल इंसानियत के सामने उठाती है, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, फरमाया बगैर किसी ताकत और कुव्वत के खुद से बन गए हो या तुमने खुद अपने आप को बना लिया है। इस सवाल का अल्लाह हमसे, सारी दुनिया के सारे इंसानों से जवाब पूछते हैं, जापान के साइंसदानों से भी, फ्रांस के भी, अमेरिका के भी, रूस के भी, पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, अल्लाह फरमाते हैं मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, खुद से बने हो या किसी ने बनाया है तुम्हें? जाहिर है खुद से नहीं, यकीनन किसी ने क्रिएट किया है, हमें बनाया है, कैसे बनाया, मां के बतन में अल्लाह ताला फरमाते हैं पानी में आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर जबान, अलम नजअल लहु आइनैन व लिसानन व शफतैन, फरमाया हमने दो होंठ नहीं बना दिए, हमने जबान नहीं बना दी, हमने तुम्हारी दो आंखें नहीं बना दी, हमने तुम्हारे कान नहीं बना दिए, अलम नजअल अर्ध मिहादा, जमीन को तुम्हारे लिए बिछा नहीं दिया और आसमान से पानी नहीं बरसाया। ये सारे काम एक अंदाजे के तहत हो रहे हैं, एक अंदाजे के तहत हो रहे हैं, सारे लगे बंदे काम हो रहे हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या ये खुद से हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, कोई करने वाला है, ये खुद से नहीं हो सकते ये सारे काम। देखिए अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं, ये जो हमारी आंखें हैं ना, आज जो डिजिटल वीडियो कैमरा, ये कैमरा लगा हुआ हमारे पास, साइंसदान जो इसके साइंटिस्ट है ना, जो इंजीनियर है, जो वीडियो कैमरे के माहिरीन जो होते हैं, उन्होंने बताया, मैंने खुद उनसे ये बात सुनी, उन्होंने बताया कि ये साइंसदानों ने डिजिटल कैमरा ईजाद किया है इंसानी आंख की नकल मार के, इंसानी आंख को देख, उन्होंने देखा कि इंसानी आंख देखती कैसे है, ये क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, इतना अजीब और गरीब जो दिमाग में आला फिट कर दिया कुदरत ने, तो ये देखने का अमल कैसे करती है, तो वही चीज बिल्कुल उसकी नकल मार के बनाई, तो वो भी वीडियो बनाने लगा, वो भी देखने लगा, कैमरा खुद देख रहा होता है। फिर उन्होंने बताया कि इस पर गौर किया गया, इंसानी आंख जो देखती है ना, रोशनी की लहरें टकराती हैं सामने वाली चीज, फिर वो टकरा के आपकी आंख के पर्दे पे लगती है, फिर यहां अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये रोशनी की लहरें रेडियाई लहरों में तब्दील हो जाती है, बर्की लहरों में, फिर ये लहरें जब बर्की लहरों में तब्दील होती हैं, तो अल्लाह ताला ने अंदर दिमाग में ऐसे आलात लगाए हुए हैं कि वो इन बर्की लहरों को रिवर्स करके दोबारा से रोशनी की लहरों में तब्दील कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये अमल उल्टा हो जाता है पीछे जाके ना, इतनी देर में हर सिस्टम उलट जाता है, जिसकी वजह से तस्वीर जो बनती है ना हमारी आंख के पर्दे पर, वो उल्टी बनती है बिल्कुल, तो उल्टी बनती है, फिर दिमाग को अल्लाह ने यह हिस दी है कि वो उसको सीधा कर देता है। तो ये पूरा अमल नकल मार के उन्होंने क्या कर दिया, वीडियो कैमरा बना दिया। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, मेरा दिल चाह रहा था मैं उन्हीं से पूछूं, लेकिन
उनसे तो मेरा इतना इतनी गपशप थी नहीं, वो कहेंगे आप हमसे सीखने आए हैं, हमको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिल मेरा ये चाह रहा था कि उनसे पूछूं, लेकिन उनसे तो मैंने नहीं पूछा, मगर अल्लाह हमसे ये पूछता है। बहरहाल ये सवाल खालिक कायनात ने हमसे पूछा है, यानी इसी किस्म के सवाल। वो ये कि बताओ, जब ये कोई अगर ये इस वीडियो कैमरे के बारे में कहे कि ये खुद से बनाए, डार्विन था ना साइंसदान जो कहता था इंसान बंदर था, फिर तरक्की करते करते वो खुद बहुत ये सारा कुछ हो गया, तो उसी से मेरा सवाल है। वही डार्विन अगर जिंदा होता तो मैं उसी से पूछता कि अगर ये सारा प्रोसेस खुद बहुत हो रहा है, तो एक वीडियो कैमरे के बारे में कोई ये कह सकता है कि वीडियो कैमरा ये खुद से वजूद में आया है, लाखों साल के प्रोसेस से गुजरने के बाद इत्तेफाक से वजूद में आ गया, कोई कह सकता है ये? अगर कोई दावा करे नहीं जी ये वीडियो कैमरा खुद से वजूद में आया है, दलील ये कि इत्तेफाक से एक दफा रेत उड़ी थी, गर्मी बहुत थी, वो इतनी जोर से पिघली इत्तेफाक से कि एक दफा वो पिघल के शीशा बन गई, फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ, फिर जमीन से वो जो है ना तारकोल निकला तो उससे इत्तेफाक से प्लास्टिक बन गई, फिर करोड़ों खरबों साल लगे इसमें, फिर जनाब उसमें वो ऐसा हुआ, फिर यूं हुआ, फिर उसमें तारे फिट हो गई, इत्तेफाक करोड़ों खरबों साल, इसमें करोड़ों सालों की तो कोई पैसे तो अदा नहीं कर रहे ना सालों के, आप करोड़ों के बजाय अरबों लगा लें आप उसमें, आप कहें ये कैसे हो गया करोड़ों साल में, कहने चलो अरबों में तो ऐसा इत्तेफाक हो सकता है ना, अरबों साल में अरबों लगा लें, अरबों को और 100 से जरब दे दें तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, सही है ना। तो उन्होंने कहा अरबों खरबों, जैसे उलमा ने जब डार्विन से सवाल किया ना कि इंसान अगर बंदर से बना है माज अल्लाह, तो ये कैसे मुमकिन है कि पहले एक छोटा सा सेल वजूद में आया, फिर होते होते तरक्की करते करते यहां तक, तो ये कैसा इत्तेफाक है? उसने कहा ये करोड़ों साल में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, करोड़ों साल में ऐसा इत्तेफाक हो सकता है, हालांकि खुदा की कसम करोड़ों क्या कायनात पैदा होकर दोबारा खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता, नामुमकिन। और फिर एक चीज मेरी, हर मोर के परों में रंग किसने भर दिए इतने खूबसूरत, ये क्या इत्तेफाकी है? शेर की ऐसी जबरदस्त, जिस जानवर को जैसा बनाया उसको आवाज भी वैसी दी, उसको चाल भी वैसी दी, उसकी खुराक भी फिर वैसी रखी। बकरी और दुम्बे में दहशत नहीं रखी है, उनकी खुराक क्या रखी है? घास फूस, इसलिए कि घास खाने के लिए दहशत की जरूरत नहीं है, क्या ख्याल? धारने की जरूरत नहीं, घास खाने के लिए पौधे में मुंह मारो, पौधा कोई अड़ी थोड़ी करेगा सामने से, गुस्सा थोड़ी दिखा मुझे उगारा भाई है भाई, इसलिए उसको धारने की जरूरत ही नहीं, क्या ख्याल है? लेकिन शेर और बिल्ली की और कुत्ते की खुराक गोश्त, अगर इनमें धारने की सलाहियत ना होती इनको गोश्त नहीं मिलता, इसलिए कि गोश्त फ्री में नहीं बटता कहीं भी, क्या ख्याल है? हमारे तो कसाईयों से दोस्तियां ताल्लुकात हैं, जाएंगे पैसे देंगे ले आएंगे, जानवरों में ये समझ नहीं होती, वो उनको गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए, लड़ मर के मिलता उनको, क्योंकि गोश्त खाने के लिए किसी जानवर को मारना पड़ेगा, और मारने के लिए ऐसा नहीं होता बकरी की तरह जाके वहां मैं करना शुरू कर दे, सही है, या भैं करना शुरू कर दे, वो एक चवाड़ मार के भगा देगा इसको, उसके लिए शेर की दाल चाहिए, शेर की खुराक गोश्त। तो लिहाजा गोश्त खाने से पहले, आपने तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, क्या उसके कैफियात, उसके जो जज्बात हैं क्या होते हैं, गरजता है, आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है सामने वाले, कहता भाई तू खा ही ले, क्या ख्याल है? अरे मुझे जिंदा रहने का शौक नहीं, तू मुझे वैसे ही खा ले। तो ऐसा अल्लाह ने, तो ये पता चलता है ये इत्तेफाकिया चीजें नहीं है, क्या ख्याल है? इत्तेफाकिया नहीं है ये, हर आहसाना कुल्ला शाइन खला काहू थम्मा हदा, फरमाए हमने जिस चीज को बनाया आहसाना बेहतरीन अंदाज से बनाया, बेहतरीन अंदाज का मतलब क्या? जिसको जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया उसको, जिसको जैसा होना चाहिए था वैसा ही बनाया। आप परिंदों की चोंच देख ले, किसी की लंबी चोंच, किसी की मुड़ी हुई चोंच, किसी की छोटी चोंच, किसी की पतली, किसी की मोटी, तो परिंदे का जिस्म और खुराक जैसी होती है उसकी चोंच का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही होता है। कोई एक परिंदा भी ऐसा नहीं है कि साइंसदान उसके बारे में कहते हैं उसके लिए लंबी चोंच ज्यादा सूटेबल थी मगर कुदरत ने खामखा में मोड़ दी, हम प्लास से सीधा कर दें इसको। आज तक किसी परिंदे का ऐसा तजर्बा, बोलो भाई, साइंसदान कहते हैं भाई, बल्कि इस पर रिसर्च करते हैं इसकी चोंच लंबी क्यों है, जैसे सारस जो है ना जो समुद्री है उसकी चोंच लंबी, उस पर साइंस रिसर्च की भाई इसलिए लंबी है कि इसको मछलियां खानी होती हैं, लंबी चोंच चाहिए पानी में ताकि डुबो सके ये। तो हर चीज को, शेर को क्यों धाड़, उसके क्यों नोकीले दांत, तो ये सारा एक कुदरत की तरफ से बनाया हुआ। अब ये देखिए, जो बकरी और गाय और भैंसे, इनकी खुराक बहुत ज्यादा होती है, वजह उसकी है कि इनकी खुराक, जो इनकी खुराक है ना उनमें इतने प्रोटीन नहीं होते, और बिल्ली और कुत्ते की खुराक थोड़ी सी होती है, वजह क्या है कि उनकी खुराक कुदरत ने बनाई क्या है, गोश्त, उसमें प्रोटीन बहुत होता है, वो दो बूटियां भी खा ले सारा दिन दहशतगर्दी करते फिरते हैं, टारगेट किलिंग में टाइम गुजरता है उनका। और ये जो है आपकी बकरी, इसकी खुराक घास फूस है, इसको ज्यादा खाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ने उसी हिसाब से इनका पेट बना दिया। शेर बिल्ली का पेट इतना छोटा सा, आंते होती है उसमें, और बकरियों के इतने बड़े बड़े पेट, और कुदरत ने कहा कि
सारा टाइम दिन में खाने में लगाओ, चबाने में टाइम ना लगाना, क्योंकि चबाने में लगा लिया इतना खा नहीं सकोगी। तो बकरी क्या करती है, भैंस गाय क्या करती है, सारा दिन खाती रहती है, रात को फिर तसल्ली से बैठ के चबाने के अमल से गुजरती है, देखा होगा, घुमाती रहती घुमाती रहती। क्यों? अल्लाह ने उसको इसी हिसाब से बनाया है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, औहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिदी मिनल जिबाल बुयूता व मिन अश्शजर व मिम्मा यारिशून। फरमाए तेरे रब ने शहद की मक्खी को सिखाया है, शहद की मक्खी खुद से नहीं सीखी। डार्विन तो कह देगा ये खुद से तरक्की कर करके यहां तक पहुंचती है, अल्लाह फरमाते हैं नहीं पहुंच सकती है। क्या सिखाया? तेरे रब ने, कोई सिखाने वाला है, उसके छोटे से दिमाग में जो शहद बनाने का तरीका इंस्टॉल किया गया है, जो सॉफ्टवेयर डाले गए हैं जिनसे वो शहद बनाना सीखती है, ये अल्लाह ने डाले, खुद से नहीं हुए उसके अंदर। कैसा बेहतरीन फरमाया, तेरे रब ने वही कर दी, सिखा दिया शहद की मक्खी को, अनितखीरी मिनल जिबाली बुयूता व मिन शजर, के तू दरख्तों पे पहाड़ों पे अपना घर बना। घर बनाने का सलीका अल्लाह ने सिखाया, शहद के लिए इससे ज्यादा सूटेबल घर कोई हो नहीं सकता। उसको वो बनाने के बाद फिर फलों का रस चूसती है, फसलू की सुबूला रब्बी की दुलूला। अब मैं एक साहब से सवाल पूछता हूं कि ये मिजाज नहीं है, आप इसको हकीकत समझिएगा, कि शहद की मक्खी मुझे बताइए बाय रोड सफर करती है बाय एयर? बाय सफर करती। आपको पता है कि बाय रोड सफर करने के तरीके अलग होते हैं और बाय एयर उसके तरीके अलग। बाय एयर जो पायलट सफर करता है ना, बाय एयर सफर के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इल्म होना जरूरी है, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलती बाय एयर के लिए, कर्व ट्रिग्नोमेट्री। अभी आपने शायद पढ़ी ना हो, बहुत मुश्किल है ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आगे इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू वन, इसके फॉर्मूले बहुत आसान है। कर्व ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो काफी मुश्किल काम है, इसकी इक्वेशंस को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जहाज में सफर कर्व ट्रिग्नोमेट्री के जाने बगैर कर नहीं सकते, क्योंकि जहाज में ऐसे नहीं होता। देखिए जमीन पर सफर के लिए तो मिसाल के तौर पर आपको किसी ने यहां से जो है यूपी मोड़ जाना है, तो उसका एड्रेस आप बाय रोड जाएंगे ना, आपको बताने वाला क्या बताएगा, आप यहां से जाइए डिस्को मोड़, डिस्को मोड़ से सीधे आपके मुड़ेंगे तो पकौड़े की दुकान आएगी, पकौड़े की दुकान के साथ जो है बर्गर वाला बैठा होगा, बर्गर वाले के से थोड़ा आगे जाएंगे साइकिल का पंचर वाला बैठा होगा, उसके सामने देखा धोती सलवार में बैठा होगा, तो ये सारे अलामत आप बताते बताते वो कहां पहुंच जाएगा, यूपी मोड। ये है बाय रोड, बाय रोड अलामतें देख देख के जाते हैं, ये आ रहा है ये आ रहा है। बाय एयर जब जा रहे हैं तो ना कोई धोती वाला आएगा, ना पकौड़े वाला आएगा, ना कोई खंभा आएगा, ना कोई पहाड़ी आएगी। पायलट को ये नहीं बताया जाता जो यहां से उड़ के अमेरिका या मक्का जा रहा है, भाई तू चलाता रहे देखते रहना जरा नीचे, क्या ख्याल है, है भाई? उसको कर्व ट्रिग्नोमेट्री की मदद से बताया जाता है, भाई देखो अमेरिका की जो लोकेशन है वो यहां, अगर हम यहां से खत खींचें अमेरिका की तरफ गोल दायरे में, तो इतने किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस जाविये से हम चलेंगे, और हर एक मिनट के बाद हमें ये इतने डिग्री जाविया चेंज करना पड़ेगा, तो दो घंटे के बाद आप मक्का या दुबई पहुंच जाओगे। वो बड़े बड़े साइंसदानों ने वो ट्रिग्नोमेट्री का इल्म जो है ना वजूद करके वो पूरी पूरी इंस्टॉलेशन कर दी होती है कंप्यूटर में। पायलट को आंख कहा जाता है, आंख बंद करके चलाओ या आंख खोल के चलाओ तुम्हारे लिए बराबर है, बस तुमने ये करना है कि इतने इतने वक्त के बाद जो है ना इसको इतने डिग्री से घुमा देना है, और दो घंटे बाद तुम मक्का पहुंच चुके हो। लिहाजा पायलट ना ये देखता पकौड़े वाला किधर आ रहा है, पंचर वाला किधर आ रहा है, अंडा मोड़ कहां है, और ये सब चीजें नजरअंदाज कर देता है, और दो घंटे बाद अनाउंसमेंट होती है अब आप दुबई पहुंचने वाले, अब आप मक्का पहुंचने वाले। ये बेहतरीन दिमागों ने इस फन को ईजाद किया। शहद की मक्खी भी बाय एयर सफर करती है, ये आपके इल्म में शायद ये बात ना हो। शहद की मक्खी अलामात देखकर नहीं जाती है, इसको दूर फूल होगा ना, अगर इसको शहद के छत्ते के लिए फूल चाहिए, बहुत लंबा सफर करके चली जाएगी वो। कमाल की बात यह कि वापस अपने ही छत्ते पर, अपने ही छत्ते पर कैसे पहुंचती है वो, समझ में आ रही है बात, कैसे पहुंचती है अपने छत्ते पर। यह इल्म अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया है, और कभी गलत नहीं होता। इसी को कुरान ने सादा जबान में क्यों बताया, फसलू की सुबूला रब्बी की दुलूला, ए शहद की मक्खी तू शहद का रस फलों का रस लेने के लिए कितना ही दूर निकल जा, वापस उन रास्तों पर आना जो रास्ते तेरे रब ने तेरे लिए मुसख्खर कर दिए, तेरे रब ने वापसी के रास्ते तुझे सिखा दिए। इंसान सीखेगा कई हजार साल के बाद, और उसके लिए भी उसको पढ़ना पड़ेगा, खुद से सीखा सिखाया नहीं होगा, लेकिन हर शहद की मक्खी ये इल्म पहले से जानती है कि कैसे उड़ के कितने। और फिर साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो पता चला शहद की मक्खी सूरज की गर्दिश से अंदाजा लगाती है कि मुझे कैसे किस जाविये से सफर करना है। मैंने पहले जब मैं आई थी तो मेरा साया कहां बन रहा था, और इतने टाइम के बाद यह साया कितने जाविये से तब्दील हो गया है, यह तमाम बातों का इल्म अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को दिया पहले से। तो ये इसकी अलामत है मेरे भाई कि कोई है इस कायनात को चलाने वाला जो बड़ा जहीन है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो चाहता है कर गुजरता है,
उसे किसी को कुछ सिखाने के लिए इदारों की एहतियाज नहीं है, वो जब चाहता है जिसको चाहता है अपनी मखलूक से वैसा काम ले लेता है। तो मैं आप जल्दी जल्दी अपनी बात को समेटता हूं, इस कायनात को अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया, वो मकसद कुरान में अल्लाह ने खुद बताया है, फरमाया वसखरा लकुम, दो लफ्जों बता दिया, तमाम की तमाम कायनात लकुम, लकुम का उर्दू में तर्जमा तुम्हारे लिए और इंग्लिश में तर्जमा ओनली फॉर यू, आई बात समझ, ये कायनात किसके लिए, सारी के सारी हमारे, माफिस समावात फरमाया जो कुछ आसमानों में सब तुम्हारे लिए, व माफिल अर्ज जो कुछ जमीनों में है वो सब तुम्हारे लिए, जमीन तमाम का तमाम, हालांकि जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में वो तमाम का तमाम ही तो है, लेकिन इसकी मजीद ताकीद थी, फरमाया कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है तुम्हारे लिए ना हो तुम्हारे गैर के लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, मैं हूं, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें ये तुम्हारे काम में लगा दिए। तो अब इस कायनात का मकसद तो वाज़े हो गया, इंसानियत की खिदमत। ये कायनात क्यों बनी है बोलिए आप हजरात, इंसानियत की, इंसान में हम और आप ही दाखिल हैं, हम सबकी खिदमत के लिए बने। अब मेरे भाई एक आखिरी सवाल कुरान कर रहा है कि तुम किसके लिए बने, हम खाने पीने के लिए बने, हम कह सकते हैं अल्लाह हम खाने पीने के लिए बने, हम मौज मस्तियों के लिए, हम टीवी फिल्में ड्रामे और बदकारियों के लिए और अपनी हराम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जैसे अंग्रेज की जो जिंदगी है ना, ये इल्म अंग्रेज के पास मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल है। अंग्रेज की जिंदगी का मकसद क्या है, अय्याशी, किस तरह इस जिंदगी को पुरलुत्फ से पुरलुत्फ बनाया जाए, इंजॉय किया जाए जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा। तो आज अफसोस इस पर होता है कि चलो वो लोग तो अल्लाह को मानने वाले नहीं, वो मानते हैं अल्लाह को, उनके साइंसदान भी तस्लीम करते हैं कि है बनाने वाला, लेकिन अल्लाह को ऐसे मानते हैं कि मानना ना मानना बराबर, कहते हैं होगा गॉड कोई, हमें उससे कोई वास्ता नहीं, उसने बनाया कायनात को, हमें ये बहस ही नहीं क्यों बनाया, हम तो ये देख रहे हैं कि ये मुझे मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी और मैं जिंदगी में मजे कैसे करूंगा। जैसे एक आदमी हो ना, वालदेन का नाफरमान हो, उसको बूढ़े माँ बाप की फिक्र नहीं है, खारा पी रहा हो, लोग कहें तेरे को कह रहे बाहर में जाए मेरे वालदेन, मुझे क्या उनसे, मुझे तो अपना पेट भरना, मेरे बड़े कौन है, मेरा मोहसिन कौन है, मुझे इससे बहस नहीं। तो वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाई हम और आप भी अगर ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा अंजाम भी वही जहन्नम की आग होगी जो उनका अंजाम है। समझ में आ रही है बात, हमारा अंजाम भी, क्योंकि ये दुनिया बार बार कुरान कह रहा है खत्म होने वाली है। अगर इंसान की यही दुनिया असल होती तो इस पर फना कभी ना आती। इस दुनिया पर कामयाब जिंदगी उसे नहीं कहते जिसमें पेट भर जाए और बैठने के लिए लंबी चौड़ी गाड़ी आ जाए आपके पास और आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो, दौलत हो आपके पास। अगर ये कामयाब होती तो ये खत्म क्यों हो जाती है फिर? ऐसी कामयाब जिंदगी का क्या फायदा जिस पर फना का लेबल लगा हुआ हो, वो खत्म होने वाली हो। हम देखते हैं कि डिफेंस में 1000 गज का बंगला हो, फिर भी वो मर जाता है और कब्र की मिट्टी में उसकी लाश उतरती है और उसकी लाश पर भी इतने ही कीड़े होते हैं जितना एक सब्जी टमाटर बेचने वाले की लाश पे होते। अंजाम के लिहाज से सब मर के बराबर क्यों होते चले जा रहे हैं? तो ये इसकी अलामत है, खालिक की नजर में ये दुनिया असल नहीं है। अगर असल होती तो फिर अल्लाह इतनी मेहनत से और इतनी खूबसूरती से बनाई हुई दुनिया को ऐसे लम्हों में फना ना कर देता। जलजले भी दुनिया में आते रहते हैं, एक जलजला को हम देखते रहते हैं कि बालाकोट में आया, जापान में आया, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाती हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं और अल्लाह फरमाते हैं कि छोटे छोटे हादसे हैं, एक क़यामत का जलजला होगा जिसमें सभी कुछ तहस नहस कर दूंगा मैं। इंसान की जो चांद पे पहुंची हुई तरक्की है वो एकदम ऐसे जमीन बोस हो जाएगी जैसे किसी जमाने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जमीन बोस हो गया था। सब खत्म हो जाएगी, और ना भी खत्म हो तो इस जिंदगी से लुत्फानंदोज होने वाले मैं और आप वो तो बहरहाल खत्म हो ही जाते हैं। कितनी जिंदगी, 50 साल 60 साल, और जवानी की जो जिंदगी है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं ये 40 साल, बहुत ज्यादा 50 साल की बात। उसके बाद खांसता है, कभी गुर्दे में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो कभी शुगर लेवल हाई हो रहा है। ये सारे मराहिल से हम सब ने, मुझे भी गुजरना है, आपने भी गुजरना है। थोड़े दिन की है ये, थोड़े दिन की, इससे मालूम होता है ये असल नहीं है, ये असल नहीं, असल कुछ और है। यहां किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है, बेमकसद नहीं बनाया। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारी जरूरत है, मकसद नहीं है। एक आखिरी मिसाल देकर बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। देखिए, एक आदमी सफर कर रहा है, यहां से वो ट्रेन में बैठा है, वो लाहौर जा रहा है, उसका मकसद है मंजिल, लाहौर पे मैंने उतरना है, वहां मेरा कारोबार है, वहां मैंने मीटिंग करनी है, मुलाकात करनी है, वगैरह वगैरह। अब सफर को अच्छा बनाने के लिए रास्ते में वो चाहेगा मुझे सीट भी अच्छी मिल जाए, क्या ख्याल है? वो चाहेगा एयर कंडीशन रूम मिल जाए तो बहुत अच्छा, एसी पार्लर मिल जाए, स्लीपर मिल जाए, ये सारी चीजें कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी। किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। जिसको नहीं मिलती तो उसको खुदकुशी के ख्यालात नहीं आते, वो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर का सफर है, मंजिल तो मेरी वहां है। और जिसको मिल जाती है तो वो ये नहीं करता कि आप एक गरीब आदमी को स्लीपर में आपने एयर कंडीशन रूम में ट्रेन में बिठा दिया, अब वो कह रहा है यार जबरदस्त ठंडक वहां लाहौर में तो बड़ी सब गर्मी हो रही है और मेरी मंजिल तो जिप्सी है, तो यही सीट अगर मैं उठा के
वहां भी ले जाऊं और यही गद्दे मद्दे और ये बटन दबाता हूँ खिदमत के लिए, फौरन कोई ना कोई खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है, तो कितना अच्छा इसको भी चले भाई तू मेरे साथ मेरे घर चल। और अगर वो नहीं जा रहा तो मैं यही रहूं, यहां से निकलूं नहीं, उसी को बना रहा है, उसी को संवार रहा है, उस एसी पार्लर में जनाब कुर्सी पे कभी मुख्तलिफ किस्म के जानियों से कभी लगा लगा के ना एक लगा के देखता है, तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या बच्चा है, इसने कभी सफर किया नहीं, होता है ना जिसने कभी ना किया हो सफर, लोग क्या कहें भाई ये तो थोड़ी देर की बात है, कल तू यहां से उतर जाएगा। मुझे बताइए फांसी के फंदे पे लटकाया जाने वाला मुजरिम अगर उसको ट्रेन में या हवाई जहाज में ले जाया जाए बहुत प्रोटोकॉल के साथ, क्या वो खुश होगा? उसको जितनी खिदमत हो रही है कहेगी भाई थोड़े दिन की, वो क्या कहेगा थोड़े दिन की मेरी आगे मंजिल है वो तो अच्छी नहीं। तो मेरे भाई इस दुनिया की जिंदगी पे इतराना, इस पे ही अपने आप को मुनहमिक कर देना, सब कुछ इसी को समझ लेना, इससे बड़ी हमाकत दुनिया में कोई भी नहीं है। अल्लाह की नजर में वो सबसे बड़ा अहमक है, अगरचे आप दुनिया का जहीन तरीन आदमी उसको क्यों ना समझते हैं, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं जो सफर वाली जिंदगी जिससे आगे जाना है, जो मंजिल नहीं है सफर है, उस सफर वाली जिंदगी से दिल लगा ले, उसी को सब कुछ समझना शुरू कर दे, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनाम, ये लोग चौपायों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं, बल हम अजल बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए कि जानवर तो जिंदगी से दिल लगाता है, उसमें अकल नहीं है, इनमें अकल है फिर भी लगा रहे हैं दिल, फिर भी सफर वाली जिंदगी से दिल लगा रहे हैं। तो इस कायनात को सजाया गया मेरे और आपके लिए, और मुझे और आपको बनाया गया खालिक कायनात के लिए, क्या इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ये मेरा शुक्रगुजार बनता है या मेरा नाशुकरा बनता है। तो बस ये मेरी और आपकी आजमाइश हो रही है, अल्लाह देख रहे हैं कौन है मेरे अहकाम को चलेगा और कौन है मेरी मुखालफत करेगा। अल्लाह ताला औरतों को भी देखते हैं कि मैंने इनको कुछ अहकाम दिए, पैगंबर भेज के औरत पर्दा करे, लड़की है तो पर्दा करे, वो नमाज की पाबंदी करे, गीबत चुगली झूठ इन चीजों से इज्तनाब करे, तो अल्लाह ताला उनको भी देखते हैं कि कौन चल रही है और कौन नहीं चल रही। बाकी कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई कुछ भी ना बने, मरना दोनों ने है, आखिरत में फिर अल्लाह ये सवाल करेंगे मैंने जो अहकाम दिए थे उन पर अमल किया या नहीं, मैंने जिस काम के लिए पैदा किया और मुझे और आपको भी अल्लाह ने इसलिए बनाया। ये सब हमारी जरूरत है, अल्लाह देख रहे हैं कि हमें कौन जिना से बचता है, कौन है जो झूठ चुगली चोरियों से हराम कमाने से बचता है, कौन है वालदैन का फर्मा बरदार है, कौन है अपने असाज़ा का एहतराम करता है, और कौन है जो मुल्क और कौम का खैरख्वाह बनता है, कौन बदख्वाह बनता है, ये सारी चीजें देखी जा रही है। और देखिए हमारी जो शरीयत है ना ये फितरत ही का दूसरा नाम है, इसलिए हमें इसमें कुछ ज्यादा तब्दीली की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने ऐसा बेहतरीन रास्ता दे दिया, फरमाया जो जिस शोबे में है उस शोबे को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी शोबे में अल्लाह के अहकाम को जिंदा कर ले। कितना बेहतरीन, कितनी बेहतरीन तालीमात। ईसाइयत में है कि जिसने दीनदार बनना है सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए जंगलों में इबादत करे, जिसको राहिब कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत का मतलब इस्लाम में दुनिया को छोड़ना नहीं है। इस्लाम में मैंने और आपने ही डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, मजदूर भी बनना है, दुनिया के जितने शोबे हैं ये मेरी और आप ही की जिम्मेदारी है। बल्कि कुरान ने तो हुक्म दिया है दू लहू मस्तकातुन मिन कुवा, इन दुनिया में इन जो काफिर कौमें हैं इनके खिलाफ अपने आप को जितना मजबूत कर सकते हो हर मैदान में मजबूत करो। तुम साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में तुम इनसे पीछे ना रहो, इनसे आगे होने चाहिए। तभी जब मुसलमान ने इन आयात पर अमल किया तो आप मुसलमानों की तारीख उठा के देखें, अहले यूरोप दुनियावी उलूम भी मुसलमानों से सीखते थे। हवाई जहाज का जो नक्शा है ना ये मुसलमान साइंसदान बना चुका था। हवाई जहाज तो बात की जा रहा है, रॉकेट हवाई जहाज ये मुसलमान साइंटिस्ट बना चुके थे। मेरे हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह फलकियात के बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर। यूरोप के बड़े बड़े जो माहिर फलकियात हैं उनके भी फोन आया करते थे हजरत के पास बहुत से फलकियात के मसाइल को समझने के लिए। हमारे जो शेख थे उन्होंने जो फलकियात का इल्म अलबैरूनी की किताबें पढ़ के पढ़ाए, उनको नहीं पता कि ये स्कूलों में क्या पढ़ाया जा, लेकिन इतना जबरदस्त इतनी जबरदस्त उनकी मालूमात। तो उस जमाने का साइंसदान अलबैरूनी जिसने फलकियात के इल्म की इजाद रखी और मुसलमान साइंसदानों के जो बड़े बड़े कारनामे हैं मैं और आप उसको सोच नहीं सकते। यूरोप ने सारे उन्हीं कारनामों से, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें जब खत्म हुई सारे वसाइल पर कब्जा हो गया, तो आपको पता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वसाइल उनके हाथ में आ गए, हम निहत्ते हो गए। तो अब हम कुछ बनना भी चाहें एक हद तक वो हमें तरक्की करने देते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे वो हमें साइड पर ले आएंगे, पाबंदियां लगा दें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आप देख लें, बेचारे ने एकेडमी धमाका किया, उस वो उसकी जिंदगी ऐसी तंग कर दी है, ऐसा उसको जेल की कोठरियों में उसकी जिंदगी बना दी है कि दूसरा कोई ऐसा साइंसदान बनने से पहले भी 100 दफा सोचेगा कि मैं कोई और कारनामा करूं या नहीं करूं। अभी आपने देखा होगा उस दिन पहले पानी से चलने की कार का शोशा छोड़ा था, लोग कह रहे थे ये साइंसदान ही गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में, गायब पता नहीं कहां गया। तो वो हमें तरक्की करने नहीं देंगे, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमारी जिम्मेदारी लगाई हर मैदान में आगे बढ़ना, लेकिन हर किसी मैदान को हमने छोड़ना नहीं है, ना मर्द ने ना औरत ने। सिर्फ शरीयत काम से मुतालबा यह है कि जिस शोबे में हो
उस शोबे में अंग्रेजों की तरह आजाद ना हो जाओ, उसमें ओलमा से रहनुमाई लो कि मैं इस शोबे में शरीयत के अहकाम के चलते हुए कैसे इल्म हासिल कर सकता हूं। औरत पर तालीम पे पाबंदी नहीं है, लेकिन अंग्रेज औरत आजाद होकर पढ़ती है, मुसलमान औरत औरत बन के पढ़ती है। उसको पता है कि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म की नुमाइश हराम करार दे दी है, और फरमाया वला युदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर सकती। हमारे पास खवातीन के फोन आते हैं, पढ़ना चाहती है, क्या तरीका हम बता दें, आप पर्दे में जाए, पर्दे में रह के पढ़े। पर्दे में भी बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। तो शरीयत ने किसी शोबे में आपको पीछे नहीं धकेला, आप आगे बढ़े मगर उसकी हुदूद, क्योंकि हम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब बाद में, हमें उसके सामने हर हर बात का जवाब देना है। नमाज के बारे में कुरान ने क्या हुक्म दिया, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो उन्हें अल्लाह की याद से तिजारत और खरीदो फरोख रोकती नहीं। ये नहीं कहा कि वो किसी से तिजारत करते ही नहीं है, खरीदारी करते नहीं है, फरमाया जब नमाज का वक्त होता है तो वो तिजारतों को छोड़ देते हैं। ये नहीं कहा कि वो सिरे से ताजिर ही नहीं है, ना ना, सारे काम कर रहे हैं, नमाज के वक्त में सारे कामों को दाएं बाएं कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें हर शोबे में अल्लाह के रसूल के अहकाम को जिंदा करने का हुक्म दिया है। अगर हमने इन अहकाम को जिंदा कर दिया तो फिर हमारी मंजिल जो कब्र और आखिरत की मंजिल है वो है कामयाब, और अगर नहीं किया तो मेरे भाई ये तरक्की करते करते जो है ना खत्म हो जाएंगे। कब्र में जाके फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके आपके A1 ग्रेड था या ए ग्रेड था, नकल करके पास किया था या अपनी जिम्मेदारी, अगर आपने अच्छी नंबरों से खुश आए थे तो चलो आपको एक इंक्रीमेंट अल्लाह की तरफ से भी दिया जाता है। ऐसी बातें नहीं होंगी, अल्लाह कहेगा कि तूने जिस शोबे को जिंदा किया वो तो ठीक है, अगर नीयत अच्छी थी तो उसका सवाब भी मिलेगा। एक एक आखिरी बात करके जो है ना वो जल्दी से एक छोटा सा वाक्य सुनाते हैं। एक दफा किसी कॉलेज के लड़के का, एक स्टूडेंट का मेरे पास सवाल आया। सवाल यह था कि मैं ज़रई कॉलेज में पढ़ता हूं तो मुझे बताइए कि इस शोबे में मैं अगर दिल लगा के मेहनत करूंगा तो मुझे सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं इसको छोड़ के जो वो बस इबादत में 24 घंटे खर्च करूं। तो मुझे उस वक्त कुरान एक हदीस याद आई, मैंने कहा सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने दरख लगाया, हदीस के अल्फाज है, और जब तक उस दरख से चरिंद परिंद भी खाते रहेंगे इसको सवाब मिलता रहेगा, हत्ता कि ये मर्गी भी है ना तो जब तक वो दरख मौजूद रहेगा कब्र में इसको सदका और खैरात का सवाब मिलता रहेगा, जब तक इस दरख से लोग फायदा उठाएं। तो मैंने कहा जब एक दरख लगाने का ये सवाब है तो किसी ज़रई यूनिवर्सिटी में पढ़ के किसानों को ट्रेनिंग देना या मेहनत करना ताकि पैदावार में इजाफा हो, और उससे सिर्फ चरिंद परिंद नहीं इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो फायदा उठाएगी आपके उलूम से, तो उसका कितना सवाब होगा। वही उलूम का बड़ा सवाब है बशर्ते कि नीयत अच्छी हो। समझ में आ रही है बात? एक डॉक्टर कसाई बन के बैठता है और मरीजों पर नजर रखता है, ये भी आ गया, इससे इतने पैसे मिलेंगे, इससे इतने पैसे मिलेंगे, और एक डॉक्टर खैरख्वाह बन के बैठ जाता है कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने लोगों की जिंदगियां मेरे हाथ में दे दी हैं, ठीक है मैं पैसे लूंगा इनसे, मेरा भी पेट है, मेरा भी जरिया मुआश है, लेकिन साथ साथ में दयानतदारी के साथ इलाज करूंगा ताकि इंसानी की खिदमत हो, यही चीज उसको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। तो समझ में आ रही भाई आप लोगों को? आइंदा जितने लड़के यहां बैठे हैं, जितनी लड़कियां बैठी हैं, सब आजम करें कि अपनी तालीम को भी अच्छी तरीके से पूरा करेंगे इस नीयत के साथ कि हमने इंसानियत की खिदमत कर ली, सिर्फ पेट भराए पेट और पैसा भराए पैसा, वरना हमारे सदर साहब में और हमें फर्क क्या रहेगा फिर? उनका मकसद भी तो यही है ना, पेट भरो टोन भरो अपनी किसी तरीके से। सदर वो भी है, खिदमतें वो भी बहुत कर रहे हैं, खिदमत से मकसद क्या है? बस पेट भरना अपना। तो एक तो ये नीयत करें, दिल लगा के पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से नीयत क्या होगी? अपना भी पेट पालेंगे इंशाल्लाह, पैसा भी नीयत होनी चाहिए, वो गलत नहीं है, जाहिर है पैसा होगा तो फिर खिदमत भी कर सकता है ना इंसान, और लेकिन पहली नीयत क्या होगी? खिदमत इंसानियत की, इसका कब्र में भी सवाब मिलेगा। दूसरी बात, इस दौरान हमने शरीयत के अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की मुखालफत नहीं करी, ना आगे मुलाजमत में, ना तिजारत में, ना पढ़ाई के दौरान, ना कोई मर्द ना कोई औरत, हमने शरीयत को पहले रखना है, बाकी तमाम चीजों को बाद में, और उसके लिए उलमा से राबते में रहना है। ये बताइए ये जायज है या नहीं है, ये हलाल है या हराम है? अंग्रेजों के यहां तो ना हलाल ना हराम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को पर ईमान रखते हैं, हमें हर हर चीज में ये देखना पड़ेगा कि ये जायज है या नहीं। आपको पता है मुसलमान साइंसदान जब भी कोई चीज ईजाद करते थे, मेहनत करते थे, पहले 2 रकअत सलातुल हाजत की पढ़ते, उसके बाद वो काम करते थे। तो उनके यहां उन साइंसदानों में, उन तबीबों में भी दीन का अंसर गालिब था, इसलिए कि वो समझते थे कि ये अगर अल्लाह की मदद होगी तो ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर, मुझे भी, आपको भी, सबको, लड़कों को भी, जो खवातीन लड़कियां बयान सुन रही हैं उनको भी, हम सबको अल्लाह ताला मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।